ये आप अगर आते हैं, इफ यू आर इन पावर, इफ यू कम इनटू पावर, हाउ विल यू हैंडल द वाटर क्राइसिस जी, द वाटर इशू, उस पर अब तो जंगे होने जाएंगी जी, उसको कैसे हैंडल करेंगे आप? वो पानी का बड़ा सीरियस क्राइसिस है, लेकिन ये फिर भी लॉन्ग टर्म है। आपका इस वक्त जो शॉर्ट टर्म क्राइसिस सबसे बड़ा है कि हमारे पास पैसा नहीं है, मुल्क बैंकक्रप्ट है। अब मैं सबसे बड़ी बात यह कि कौन यहां रेवेन्यू इकट्ठे करेगा पाकिस्तान में? आपको सवाल ये कि क्या हमने घुटने टेकने हैं? ये जो अभी अपने लोगों का खून करके हम ये जो 150 अरब डॉलर दे रहे हैं, क्या ऐसे हमने जिंदगी जिल्लत से गुजारनी है या अपने पैर पर खड़ा होना है? मैं आपको गारंटी करता हूं, कभी किसी बाहर के मुल्क से ना हमने कर्जे मांगने हैं, ना हमने किसी के सामने हाथ फैलाना है। अपनी कौम के ऊपर रिलाय करना है, यहां से पैसा इकट्ठा करना है। लीडरशिप जब खुद कुर्बानी देगी, अवाम यहां बड़ी, हमारी बड़ी जबरदस्त अवाम है, कुर्बानी देने वाली अवाम है। लीडरशिप पहले खुद कुर्बानी दे। यहां ओवरसीज पाकिस्तानी आपका सबसे बड़ा साथ है। मैं ऐसे ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानी जैसे डॉक्टर सर अनवर परवेज को मैं जानता हूं, इस तरह के और बड़े पाकिस्तानी जिन्होंने अरबोंपति बन गए बाहर, वो पाकिस्तान पैसा लाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अनवर परवेज ने तो इन्वेस्ट भी किया हुआ है, उनसे पूछे उनको क्या प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम करप्शन का है। हर जगह लोग पैसे मांगते हैं, हर जगह उनके काम में रुकावटें आती हैं, उनके लिए मुश्किलें डाली जाती हैं। ये अगर आप पैसा टैप कर लें जो ओवरसीज पाकिस्तानी का है, ये जब निजाम आप करप्शन को अटैक करें, रूल ऑफ लॉ कायम करें, अपने आप को कानून के नीचे लेके आए, अपना पैसा डिक्लेयर करें, अपना खुद टैक्स दें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप पैसा इकट्ठा हो जाएगा, हमारे पास एक्सेस पैसा हो जाएगा, हम अपनी आवाम पे खर्च कर सकते हैं। जो पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है, जब आप लोगों के सेहत का ध्यान रखेंगे और उनको तालीम देंगे, ये दो चीजें हैं। हमेशा दुनिया में पॉपुलेशन गिरती है इन दो चीजों से, ये कैंपेन से नहीं गिरती। अच्छा, तालीम कैसे देंगे जी आप लोगों को? क्या आपके पास क्या प्लान है, तालीम कैसे देंगे आप लोगों को? पहले तो तालीम के अंदर सबसे बड़ा यह है कि हमें बजट इसका दुगना करना पड़ेगा पहले तो, और इसकी फिर मैनेजमेंट चेंज करनी पड़ेगी। प्राइमरी स्कूलों को आप गांव की काउंसिल्स के नीचे डालें, ये हिंदुस्तान में सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हो चुका है। ये सेंट्रलाइज जो तालीम का सिस्टम है, इसको खत्म करें, इसमें ये टोटली करप्ट हो गया सिस्टम। इस सारी मैनेजमेंट को चेंज करें जिस तरह हम तालीम देते हैं। एक निसाब लेके आए पाकिस्तान में, शर्म की बात है कि इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, दीनी मदरसे, एक ही मुल्क में तीन सिस्टम चल रहे हैं जिससे हमारे तीन डिफरेंट कल्चर्स आ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम जो ऊपर है वो बाहर से ओ लेवल ए लेवल के पेपर बन के आ रहे हैं, ज़ेनी गुलाम बाहर के बन रहे हैं। अगर हिंदुस्तान कर सकता है, अगर मलेशिया कर सकता है, अगर सिंगापुर कर सकता है, हमारे साथ ही आजाद हुए थे, उनके सबके एक सिस्टम है। हमने ये थ्री टीयर सिस्टम बनाया हुआ है, इसको खत्म करें। और जो पानी की आपने बात की, पानी का बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, इसके ऊपर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई जाए, बाहर से एक्सपर्ट्स लाए जाएं, डैम्स बनानी है, बड़ी डैम्स, छोटी डैम्स, इसके ऊपर पूरा एक दफा आपको चाहिए मुल्क में कंसेंसस डेवलप करना, क्योंकि इस वक्त तासुर सिंध को यह है कि यहां बड़ी डैम बनेगी तो वो बर्बाद हो जाएंगे। ये हमें एक, इसमें भी एक ट्रस्ट डेफिसिट है बहुत बड़ा, ये डेफिसिट खत्म करना पड़ेगा। हिंदुस्तान ने जो चिनाब का 25% पानी कम कर दिया है, यहां तमाशा देख रहे हैं बैठे हुए, हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कर रहे हैं, उधर 25% अगर पंजाब का पानी बंद होता है, इसका हमें इतना बड़ा नुकसान है आगे। लेकिन इस वक्त इतनी कमजोर हुकूमतें हैं कि अपने राइट्स की नहीं बात कर सकती। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी को पूरी तरह एक बड़ी सीरियसली एक हाई लेवल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस करके ये सॉर्ट आउट करें। अपने इंटरनली पाकिस्तान में डिसाइड करेंगे क्या हमने बड़ी डैम चाहिए, छोटी डैम चाहिए, कैसे पानी का मसला हल करना है। नेशनल कंसेंसस डेवलप करें, ये वन ऑफ है दोनों चीजें, लेकिन कंसेंसस के बगैर अगर आप डैम बनाते हैं, प्रॉब्लम्स हैं उसके। और आप तीसरी चीज जो सबसे बड़ा जो कोई इस इशू की बात नहीं कर रहा, वो ये है कि जब तक हमें एक्सपोर्ट, हमारी एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट्स ज्यादा है, ये जब तक इंबैलेंस है, हमें शॉर्ट टर्म के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानीज को अपील करनी पड़ेगी कि पाकिस्तानी बैंकों में अपने डॉलर्स रखें। अगर यहां सारे अपने पॉलिटिशियंस डॉलर में अपने पाकिस्तानी बैंकों में पैसे रखेंगे, वो भी वहां से आप अपील कर सकते हैं। बड़े पेट्रियाटिक लोग हैं, ये बहुत बड़ा साथ है पाकिस्तानियों का। मैं एक कॉल ले लूं जी खान साहब, मुझे एक कॉल है मेरे पास थी मोहम्मद इकबाल साहब की मुजफ्फरगढ़ से। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी, कैसे हैं जी आप? मैं मोहम्मद इकबाल बिजानी अर्ज कर रहा हूँ खैरपुर सादात तहसील ललितपुर जिला मुजफ्फरगढ़ से। जी जी, मैं आपको और आप मुअज्जज मेहमान को सलाम पेश करता हूँ। बड़ी मेहरबानी जी। कोई सवाल करना चाहेंगे आप?
गुजारिश यह है कि अवाम सरदारी और जागीरदारी निजाम से इस तरह खौफजदा है कि आजादी के साथ आप जैसे महब वतन का इंतखाब मुश्किल हो जाता है। तो इस सिलसिले में मेरी गुजारिश यह है कि आप उस पार्टी से इलाह करें जो कदर आपकी पॉलिसी से मुताबकत रखती हो, क्योंकि सियाने कहते हैं कि खंजीर के शिकार के लिए कुत्तों की भी जरूरत पड़ती है। शुक्रिया जी। ठीक है जी। जी आप किसी से आप हंस रहे हैं खान साहब, मैं शिकार की बातें बहुत ज़्यादा होती है जी, हर कोई शिकार के चक्कर में है। आपने तो कहा जी आपने शिकार ही छोड़ दिए, अब पता नहीं क्या किया जाएगा। आपने शिकार छोड़ दिया खान साहब, खैर चलें। देखिए एक उसने खैर चलो मैं आपको जोक सुनाने लगा था जी, जी, लेकिन सुना, मैं एक जी, और बात करूं। देखिए नहीं नहीं पहले जोक सुना दे मुझे। और जागीरदारी कर वो उन्होंने खंजीर की बात की ना, एक सोर तकरीर कर रहा होता है, सामने भेड़ बकरियां खड़ी होती हैं, तो सोर उन्हें कह रहा होता है कि मेरी बहनों और भाइयों कुर्बानी की आपकी जरूरत है, मुल्क को कुर्बानी की जरूरत है। तो वो बेचारी पहले डरी बैठी होती है कि हर बकरा ईद पे उनकी कुर्बानी हो जाती है, सदका उनकी कुर्बानी। तो उसके बाद कहता मैं भी कुर्बानी देना चाहता हूं आपके साथ, लेकिन बदकिस्मती से मैं तो सूर हूं, मेरी तो कुर्बानी जायज नहीं है। तो मैं ये इसलिए वो कह रहा था कि ये कुर्बानी अपने से शुरू करनी पड़ेगी, अगर मुल्क में हमने इस अवाम की अवाम को उठाना है तो अपने से कुर्बानी शुरू करें। मैं राणा साहब इसकी सिर्फ एक बात कर दूं कि ये जो फ्यूडल कल्चर की बात की है, ये तब खत्म होगा जब गांव के लेवल पे आप गांव के लोगों को थाने से बचाएंगे। ये जो थाना कल्चर है ये जब तक खत्म नहीं होता, ये थाना कचहरी की सियासत खत्म नहीं होती, हमारे लोग गुलाम रहेंगे। देहात के लोग गुलाम हैं, आज हर तरफ मार खा रहे हैं। इसके लिए जो गांव की काउंसिल्स हैं, डेवोल्यूशन पावर गांव तक जाए, गांव पे लोगों को इख्तियारात दें कि पुलिस थाना जो है वो गांव की काउंसिल्स के बगैर एक्ट ना कर सके और पुलिस थाना एफआईआर ना काट सके, और जो प्रोसिक्यूटर है उसको गांव के लोग इलेक्ट करें, गांव को एम्पावर करें, उनके नीचे प्राइमरी स्कूल रखें, उनके नीचे हेल्थ यूनिट रखें। अगर जब गांव के लोग इस्तेमाल कर, जब जो उनका अपना इंटरेस्ट आ जाएगा वो चला लेंगे इन चीजों को। इस वक्त ये सेंट्रलाइज सिस्टम खत्म करना है, और ऊपर के लेवल के ऊपर जो भी सरकारी जो वजीरों जो भी लोग पाकिस्तान में उनका इलाज होना चाहिए, उनके बच्चे पाकिस्तान में पढ़ने चाहिए, तब आपकी यूनिवर्सिटीज भी ठीक होंगी, आपके अस्पताल भी ठीक होंगे। ये मुल्क के अंदर थोड़ी सी किसी को तकलीफ होती है बाहर चला जाता है इलाज करवाने, अवाम को बेचारों को सरकारी अस्पतालों में भेज देते हैं, अपने बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते, वो पढ़ते हैं या इधर या बाहर चले जाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर अगर आपने ये निजाम ठीक करना है तालीम का और सेहत का, जो सरकारी लोग हैं जो लीडरशिप है वो अपनी इनको ऐसा करे कि उनका इधर इलाज हो। मेरा इलाज शौकत थाना में हुआ, मेरा हालांकि वो 48 घंटे में फेटल है, वो अब मर सकते हैं जो मुझे हुआ था, लेकिन मैं कहीं बाहर नहीं गया, अपने शौकत थाना में इलाज करवाया। क्यों नहीं हम अपने पाकिस्तान के अस्पतालों के अंदर इलाज करवाते? आप खर्चा देखें कि ओवरसीज ट्रीटमेंट हमारे वीआईपी का कितना खर्चा होता है, आप उसी तरह स्कूलों का देखें कि जर्मनी और फ्रांस के अंदर जो सबसे बेहतरीन स्कूल है वो सरकारी स्कूल है। अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं जा सकता तो तब वो प्राइवेट स्कूल में जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताएं खान साहब, आप लैंड रिफॉर्म्स ला सकते हैं? कोई ऐसी कोई चीज आपके जहन में हो, कोई ऐसा कोई स्ट्रेटजी आपके पास हो कि जी आप लैंड रिफॉर्म्स लेके आ सकते हैं, वो कोई है जी आपके पास? देखिए राणा साहब, अगर आपने इनकलाब को रोकना है ना इस मुल्क में, खूनी इनकलाब को, तो आपको जमीन की रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। यूनिट कितने होते हैं उसके ऊपर बात हो सकती है।